bagian yang diberikan tersebut bagian yang diselakakan tersur militam jena tersmai Sri Gurave Nama Gurave Gaura Chandraya Radhika Sadalai Krishna Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Nama Sankarsana Karna Tvayasai Garbo Dasai Chabayabdhyay Desan Sajasan Sasakala Samitananda Karamam Saranam Namastu Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Priya Advaita Gadadhara Srivadavi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Me Sarvata उपस्थित त्रिवेणुपादगण वैष्णव वैष्णव सभी चरणों में यथाजोग्य प्रणाम करता हम लोगों का परम सौभाग्य का दिन था जिस गौड़ीय संप्रदाय में हम लोग आए थे जिसको रूपानंद को बोल करके जिस गौड़ीय संप्रदाय अपना को बड़ी सौभाग्य मानते हैं हम लोग तीन दिन तक केवल एक विषय पर विभिन्न वक्ताओं को मुखार बिंद से उनका विभिन्न दृष्टिकोण के द्वारा कैसे हमारा संप्रदाय विशेष विशेष महत्व है हम लोगों ने बहुत बहुत कुछ श्रवण किया है समझिए हम लोग परम सौभाग्यवान हैं जो कि श्री राम महाराज जी को पास सुनाए मुझे लगता है कहीं ये विश्व में विश्व की बात छोड़ कर संपूर्ण शायद किसी ब्रह्मांड में हम लोगों ने जितने श्री रूप गोस्वामी के विषय के ऊपर विभिन्न दृष्टिकोण को द्वारा हम लोगों ने जिस कथा को हम लोगों ने श्रवण किया ब्रह्मांड में शायद किसी विषय पर इतना कहीं विवेचन नहीं हुआ इसलिए इसका कारण क्या है कहते कारण ही इसका कारण श्री महाराज जी है शास्त्र में महाराज जी हम लोगों को इसी विषय पर इतना क्यों श्रवण कराया इसमें कारण दिया है कि इसका कारण है हम लोगों का अत्यंत अत्यंत दुर्भाग्य और विशेष करके कलयुग में ये महाब्रह्म का संप्रदाय में आना ये बहुत बहुत सौभाग्य वाले व्यक्ति ही श्री गौड़ीय संप्रदाय में आते हैं और इसी गौड़ीय संप्रदाय में भी श्री रूपानुग धारा में आने वाले के भी बहुत कम है इसलिए श्री महाराज जी कोशिश किया है अगर ये जब ये वस्तु अत्यंत दुर्लभ है तब ब्रह्मा भी चिर वांछित जय प्रेम जगत से फैली लढ़ाली कांधा ले पाया खाई लगातिया बाजा या करता तब ये प्रेम इतने दुर्लभ है तब ब्रह्मा शंकर बुद्ध नारद के लिए भी ये रूपानुगत तो में आना इनके लिए भी दुर्लभ है इसलिए महाराज की कृपा से महाराज ने सोचा अगर इसी विषय पर अगर बार बार हम श्रवण करें श्रवण करते करते अगर हमारा हृदय में अगर थोड़ी सी लोभ आ जाए तब हमारा ये जीवन सार्थकता है इसलिए शास्त्र ने बताया कृष्ण रस भमितामति क्रियता उत्तर यदि लब्धते अगर जीवन में ऐसे कृष्ण भक्ति रस में राधा भक्ति रस में ऐसे जो जिनका मति संपूर्ण सराबर हुआ है
अगर जीवन में ऐसे भक्तों का संग अगर मिल जाए, एक बहुत बड़ी बात बता रहे, कोटि सुकृत रह न लग करे, कहते करोड़ों करोड़ जन्म का सुकृतियों को दरा, क्योंकि बगैर सुकृति के सत्संग प्राप्त नहीं, वो भी सुकृत एक पूर्व सचित है, कहते पूर्व पूर्व जन्म का सुकृत को द्वारा ही जीव को ये सत्संग की प्राप्ति होती है। लेकिन कहते ऐसे करोड़ों जन्म का सुकृति को द्वारा भी जो वस्तु हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कहते वह वस्तु हम प्राप्त कर सकते हैं अगर ऐसे राधा रानी की भक्ति में जिनका संपूर्ण मति उसमें एकदम सरावर हुए हुए, अगर ऐसे भक्तों का अगर संग मिले, कहते करोड़ों सुकृति को द्वारा वो वस्तु हमें प्राप्त नहीं हो सकती। वही व्यक्ति उतना गंभीर रूप में समझ सकता है जिन्होंने ऐसे भक्तों का संग किया। अगर भक्तों का संग नहीं किया तो वो समझ नहीं सकता इतने बड़ी बात यहाँ पर क्यों बताई गई। इसलिए हम लोग का इसी दृष्टिकोण से हम लोग का जो महाराज जी का संग मिला है, समझो ये कोई साधारण बात नहीं। जैसे हमारे गौड़ीय वैष्णव में हम सब जगह जाते देखते हैं, लेकिन हमारे महाराज जी का मति व महाराज जी का भावना जिस रस में जो हम गौड़ीय जिस परंपरा में आए हैं, कई कई लोग ये तो वो भी प्रेम मंजिल कहा बहुत हम किया उसको पालन करने में ये करने में हमारा क्या समर्थ है। हाँ, पर भले इधर उधर लोग छोटा छोटा बोलते हैं, लेकिन ये वस्तु कितने महत्वपूर्ण है, जिस काम के लिए आए, जब तक हमारा लक्ष्य ठीक नहीं हो साधन भी हमारा ठीक नहीं होगा। इसलिए पहले लक्ष्य हमारा ठीक होनी चाहिए, हम किस वस्तु को हम प्राप्त करना चाहते हैं, तभी जाकर हम लोग फिर उसके लिए हम साधन कर सकते हैं। इसलिए पहले हृदय में वो वस्तु का प्रति कोई लोभ आनी चाहिए। हम 10 साल बाद हम डॉक्टर बन गए तो पीएचडी करेंगे, लेकिन उसको पहले उस चीज को लक्ष्य करके कोई फिर पढ़ता है, फिर तो उसको साधन बनना सही होगा। इसलिए हम लोगों का परम सौभाग्य रहा जो किसी लोग महाराज जी का अनुग्रह में जी फिर 3 दिन तक हम लोग एक विषय पर हम लोगों ने इतने इतने रूप में हम लोगों ने श्रवण किया है, कम से कम गुरु जी की कृपा द्वारा हमारा हृदय में थोड़ी बहुत तो उसी वृक्ष का प्रति कोई लोभ आया। इसलिए हम लोगों ने जो महाराज से थोड़ी बहुत कुछ सुना है, जब हम जाकर बाहर कहीं बोलते हैं सब लोग आश्चर्य हो जाते हैं, इस बात उनको कहाँ से मिला, कहाँ से बोल रहे हैं। इसलिए कि हमारे आज जो बलदेव ब्रह्म आज जो आविर्भूत हुए, जब इसकी बलदेव ब्रह्म का कभी गुरुपाद बताया, फिर एक स्वरूप का गुरुदेव बलदेव अभिन्न स्वरूप है, उनका दूसरा स्वरूप है राधा रानी की निकुंज जून रतिकेल सिद्धई चादा लिधि युक्ति अपेक्षनिया तत्रा दिदाक्षा दतिबल्लवस्य वंदे गुरुश्री चरणारविंद। कहते गुरुपाद बंदवा राधा रानी की निकुंज सेवा करने में जो अत्यंत अत्यंत पटु है, अत्यंत विचित्र है, इसलिए श्रील महाराज भी अभिन्न बलदेव स्वरूप में अभिन्न राधा रानी की दासी स्वरूप में वे हम लोगों को भक्ति जगत में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इतने महाराज का उम्र में भी और इतने सारे महाराज का उम्र वाले अभी कुछ भी करने में समर्थ नहीं, लेकिन महाराज बड़े कष्ट स्वीकार करके हम लोगों को जिस भक्ति रस की अमृत को सुधा को हमें को पान कराना चाहते हैं, अगर हम उनकी भाव की एक कण को अगर हम स्पर्श कर लिया तो समझ ली जाए हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आज श्री श्री बलदेव प्रभु का आज से आविर्भाव तिथि है। कल श्री बलदेव प्रभु ये आते हैं देवक की सप्तम गर्भ में श्री बलदेव प्रभु आते हैं, तो उसको पहले उनका सह गर्भ आए हैं। कहते मरीचि मनुसर जात, मरीचि मतलब होता है मन है, उसको पहले जो 6 सड़गर्भ है, कहते जो 5 जो रूप रस गंध शब्द स्पर्श, कहते जो 5 बच्चों को कंस ने वध किया है, कहते जो 6 इंद्रिय 6 रिपु है, इसलिए कंस मतलब होता है भयात कंस, कंस का मतलब है भय,
भय मतलब होता है जैसे हम लोग अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करें तो जन्म जन्मांतर ये 14 ब्रह्मांड और 84 लाख ज्योति में हमें भ्रमण करना पड़ेगा। इसलिए भयात कंस, जैसे भय से कंस है उसी तरह जीव भी ये संसार का भय से पहले ये 6 इंद्रियों को दमन करता है, उसको बाद में हृदय शुद्ध होने पर पुनः भगवान का जो नाम रूप गुण लीला आदि उसे हृदय में पुनः प्रकाश पाता है। इसलिए कहते बलदेव प्रभु ये सप्तम गर्भ में से बलदेव प्रभु आए हैं। कहते ये सप्तम गर्भ कहते ये हवा अवस्था ही रहती है। कहते जब आसक्ति धीरे धीरे जब घनीभूत अवस्था को प्राप्त करता है वो रति का भाव कहलाता है। यदि जो भाव है ये अत्यंत अत्यंत दुर्लभ वस्तु है, अत्यंत दुर्लभ है। कहते सात चीज आनंद की ये कंदलित व अत्यंत घनीभूत अवस्था है। कहते जो भावावस्था कहते प्रस्फुटित पुष्प जैसे है। कहते पुष्प का जो बाहरी भाग कहते ये सुदुर्लभ है, उसका जो अंदर जो प्रभाव है मोक्ष रूपी तुच्छ करने वाले। अगर किसी साधु का हृदय में ये भाव रूपी कल्पलता की ये जो भाव ये कहते प्रस्फुटित पुष्प है, जैसे पुष्प प्रस्फुटित होने पर भ्रमर आकर के उसको ऊपर में मधु को पान करने के लिए वो मरनाने लगते हैं, उसी तरह हृदय में जब ये भाव अगर प्रकट हो कृष्ण रूपी भ्रमर भी वो आकृष्ट होकर के ये भक्ति रस की सुधा को पान करने के लिए वो भी मरनाने लगते हैं। कहते अगर ये भाव अगर हृदय में प्रकट हो कहते ये जीव को भी जगत में सर्वश्रेष्ठ रूप में पूज्य करते जाए। ये भाव कितने दुर्लभ वस्तु ये भाव है। कहते भावावस्था में भगवत प्राप्ति का पहला उसका लक्षण उसको मिलता है। कभी कभी ऐसे लगता है जैसे किसी ने आकर उसको सुधा पान कर चला गया। कभी कभी ऐसे लगता है कभी कानों में भगवान के चरण की नुपुर की झंकार सुनने को मिलता है। कभी कभी भगवान के वस्त्र अलंकार की अभाव उसको चकाचौंध कर देता है। कभी कभी उसको ऐसे लगता है मानो किसी ने आकर उसको स्पर्श किया है, उसको रोमांच हो जाता है। कभी कभी भगवान के चरण की नुपुर की झंकार उसको सुनने को मिलता है। कभी कभी बंसी की निनाद उसको सुनने को मिलता है। कभी-कभी लगता है इसने स्पर्श कर दिया भगवान ने इसो वस्तु है। इसलिए इसको ऊपर में कहते अष्टम गर्भ में भगवान कृष्ण आए। जब हमारा हृदय श्री बलदेव प्रभु श्री गुरुपाद पद्म की कृपा से हृदय जब हमारा शुद्ध हो जाता है वो शुद्ध हृदय में भगवान आकर उसमें स्वयं प्रकट हो जाते हैं। कहते श्री बलदेव प्रभु कहते ये कौन है। कहते बलदेव प्रभु कहते सर्व अवतार कृष्ण स्वयं भगवान ताहर अभिन्न स्वरूप श्री बलराम। कहते बलदेव प्रभु भगवान का प्रथम प्रकाश है, स्वयं प्रकाश है। अगर ये स्वयं प्रकाश नहीं होते फिर भगवान की जो हृदय की भावना को समझना कठिन है। इसलिए कृष्ण ही देखने में कृष्ण काले और बलदेव प्रभु देखने में केवल गोरे हैं। कहते केवल इतना ही प्रकाश है, दुई भाई एकदम समान प्रकाश। इसलिए केवल लीला रस को आस्वादन करने के लिए कृष्ण ही स्वयं अपना सेवा शिक्षा को देने के लिए कहते कृष्ण जैसे अखिल रसामृत मूर्ति कृष्ण है, रस वैसे है, लेकिन कृष्ण विषय विग्रह होने का नाते स्वयं स्वयं का आस्वादन नहीं कर पाते। इसलिए मानव कृष्ण अभिन्न श्री बलदेव प्रभु रूप में प्रकट होकर के स्वयं स्वयं का आनंद रस को प्राप्त करने के लिए अभिन्न बलदेव रूप में प्रकट होते हैं। प्रकट होकर के अभिन्न होते हुए भी वो 10 शरीर और 5 रस को द्वारा वो भगवान की सेवा करते हैं। इसलिए शांत दास सख्य रूप में बात्सल रूप में और मधुर रूप में राधा रानी की छोटी बहनी अनंत मंजरी रूप में वो सेवा करते हैं। और जितने तरह का भगवान का आसन छत्र पादुका वस्त्र जन्यों उनका जितने चामर जितने सारे वस्तु है कहते संदिनी शक्ति की विस्तार है। बलदेव प्रभु स्वयं भगवत सेवा के लिए 10 स्वरूपों ने विस्तार किया। कहते कृष्ण से इतने अभिन्न स्वरूप
इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर श्री नित्यानंद प्रभु को स्तुति करते हुए कह रहे हैं, आज अलंकृत भुजो कनका गदा तो संकीर्तनैत पितरौ कमलायताक्षौ विश्वं भरौ द्विजवरौ युग धर्म पालौ वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतार। चलो एक श्लोक को द्वारा युग पर वो दिखा रहे हैं मेरे जो गुरुपाद पद्म श्री नित्यानंद प्रभु किसी तरह किसी वस्तु के द्वारा महाप्रभु से अभिन्न नहीं है, इसलिए एक श्लोक में वो दो दो वचन प्रयोग किया है। आयान लंबित भुजौ कनका बता दो संकीर्तनै क पितरौ कमलाय, सबके सब एक साथ में तब मेरे गुरुपाद पद्म श्री नित्यानंद प्रभु अभिन्न श्री महाप्रभु है, अभिन्न महाप्रभु। इसलिए जो रास है केवल कृष्ण ही किया, लेकिन दूसरे व्यक्ति किसने रास किया, कहते श्री बलदेव प्रभु राम घाट में ये रास करते हैं। कोई भी बोलते हैं रास तो कन्हैया ने किया है, कृष्ण ने, बलदेव प्रभु कहाँ किया। इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर प्रमाण देते हैं श्रीमद् भागवत से कैसे श्री बलदेव प्रभु ये राम घाट में कैसे उन्होंने रास की है। इसलिए कितने अभिन्न श्री कृष्ण से कितने अभिन्न श्री बलदेव प्रभु है। कहते श्री बलदेव प्रभु के जितने सारे लीला है, कहते बलदेव प्रभु कहते जैसे कृष्ण वृंदावन परित्यज्य पाद एकम न गच्छति, जैसे कृष्ण वृंदावन छोड़ करके एक कदम भी ये ब्रज के बाहर कहीं नहीं जाते, उसी तरह का मूल जो बलदेव है जो रोहिणी नंदन बलदेव वो उसी तरह ये ब्रज छोड़कर कहीं नहीं जाते। अंकुर लाते समय वो अंकुर घाट से ही कृष्ण बलराम ब्रज के कृष्ण बलराम वहीं से वापस चले जाते हैं। अब ब्रज में रहते हुए उनका जो अस्त्र श्रृंगार है वेणु है कहते उनका इन सबके सब अस्त्र है, लेकिन जब वो आते हैं मथुरा में द्वारका में उसी समय उनके हाथ में हल और कुशल है, कहते हल के द्वारा वो खेती करते हैं। बोले किस चीज की खेती करते हैं, कहते जीव का हृदय में हमारा हृदय जो कुशल भूमि अत्यंत जो कठोर है कहते वह भूमि को खेती करके उस पर लंगर चलाते हैं, कहते उसमें बड़े बड़े जो मिट्टी होता है कहते मुसल के द्वारा क्या करते हैं कहते उसको मार मार के उसको एकदम मुलायम बना देते हैं। कहते उसी तरह द्रुपाद पद्म भी ये हरि कथा रूपी कहते संत एवास चिंतंती मन व्यास संत संग मुक्ति भी, उसी तरह हमारे गुरुपाद पद्म भी अपना वाणी रूपी कठोर वाणी के द्वारा हमारा हृदय में जो अनर्थ है वो अनर्थ को वह संपूर्ण रूप में मुलायम बना करके कृष्ण भक्ति कल्प लता जैसे हृदय में प्रकट हो उसको उन्होंने उपयुक्त हृदय में बनाते हैं। तब श्री बलदेव प्रभु जो खेती करते हैं तब तो तीन प्रकार में खेती करते हैं, बोले कहाँ कहाँ पर, तब एक में तो गोलोक वृंदावन में उनका खेती है, तब किस चीज की, तब गोलोक वृंदावन में जितने परिकर है कृष्ण के कहते हैं कौन है, कहते बलदेव प्रभु सब जैसा बलदेव प्रभु प्रकाशित हुए विभिन्न रूप में बलदेव प्रभु प्रकाशित होंगे, वहां पर जितने जीव गण बलदेव प्रभु से प्रकट होते हैं वहां पर कृष्ण का नित्य सेवा में नियुक्त है। उनको पता ही नहीं कि माया जगत दूसरी चीज है जहां पर जीव इतने दुख कष्ट भोग करते हैं। जब वो संकर्ष रूप में कहते हैं वैकुंठ में भी वहां पर जितने सारे जीव है भगवत सेवा में कहते वहां पर संकर्ष से प्रकट होते हैं। और एक होते श्री कान्हा भगत साई विष्णु से जो कुछ जीव भगवान का भक्ति के तरफ में आकृष्ट होकर के भगवत सेवा में कुछ चले गए और हम जैसे दुर्भाग्य जीव भगवत सेवा को छोड़ करके इसी जगत में आ गए और संसार का दुख कष्ट से हम लोग तरह तरह से हम दुख कष्ट उपभोग कर रहे हैं। वो तीन ज्यादा में वो खेतियों करते हैं बलदेव प्रभु, कहते खेतियों करते हुए इसी जगत में जो जीव हम लोग भी आ गए, फिर बलदेव प्रभु ने देखा कि जीव तो कृष्ण का सेवा छोड़कर चले गए, इसलिए बलदेव प्रभु अभिन्न गुरुपाद पद्म रूप में पुनः इसी जगत में आते हैं। कोई कोई बोलते हैं भगवान के सुख काम करने का क्या जरूरत था, भगवान अपना सृष्टि किया और जीव जगत में दुख कष्ट भोग कर रहे हैं। महाराज को किसी ने प्रश्न किया, महाराज ने बोला बहुत अच्छा हुआ हम लोग भगवान से विमुख होकर के आ गए। बोले क्यों, कहते हैं विमुख होकर के नहीं आते, वहां पर थोड़ी सी मधुर रस फिर मध्य का
थोड़ी हमें स्वामी का, हम इसी जगत में आए और ऐसे राधा नारायण की रस विभाजित भक्तों का हमें संग मिला और ये संग द्वारा हमारा हृदय में जो लोभ की उत्पत्ति हुई और वो लोभ के द्वारा हम राधा नारायण की मंजरी भाव को प्राप्त करने के लिए जो प्राप्ति स्वभाव थोड़ी मिलता। अच्छा एक बार इसी जगत में अब विशेष करके ये धन्य कलयुग में जिस युग में महाप्रभु स्वयं कलयुग में आएंगे इसे धन्य कलयुग चैतन्य अवतार कहा ये सुझाव मिलता हम लोगों को। इसलिए अच्छा ही हुआ हम लोग विमुख होकर के आए और इतने सौभाग्य हम लोग को प्राप्त हुए। अब पुनः बलदेव गुरु रूप में आकर के फिर हमें शिक्षा दे करके भगवत सेवा में ले जाते हैं। कभी श्री बलदेव प्रभु की जितने सारे लीलाएं हैं कभी सर्वप्रथम उन्होंने ये गर्भवासुर को उन्होंने बल किया है जहां पर तारसी कभी उन्होंने गर्भवासुर क्यों बल किया कभी ये गुरु का काम है वो मतलब अंधकार रू मतलब दीप आलो जो हमारा हृदय की अंधकार हटा करके साधुओं का हृदय में दीप आलो को जो संचार करते ये गुरु का काम है। इसलिए बलदेव प्रभु कभी गर्भवासुर गर्भ मतलब गर्भवासुर कभी अज्ञान अविद्या का ये प्रतीक है। इसे श्री गुरु श्री बलदेव प्रभु सर्वप्रथम एक गधे को वध किया। हम गाली देते हैं क्या गधा है गधा मतलब तो मूर्ख है हम तो मूर्ख है नहीं है। इसलिए गुरुपाद पद्म आकर के एक गर्भवासुर बलदेव प्रभु गर्भवासुर को वध किया है। इसलिए कभी गधा को जो उन्होंने वध किया है कभी उसमें कभी गधा को अंदर में बहुत सारे उल्टा सीधा गुण है। इसलिए भागवत ने श्लोक बताया सुबीर बढ़ा कोष्ठ खरई संस्कृत पुरुष पशु न जात कर्ण पथ भेद जातु नाम गदाग्र जिनको ये मानव जन्म प्राप्त होने पर भी कानों में भगवत कथा को उन्होंने श्रवण नहीं किया कभी वो कौन है कभी गधा है खरे मतलब गधा है। और भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं सही गधा हुए संसार में बोझा बहिनो अनेकता से भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं। और दूसरे कीर्तन में कहते हैं गर्भ गर्भ मंदामी करी परिश्रम कार लागी के तकरी नाभुज लभ्रम इसके लिए कर रहे हैं क्यों संसार में गर्भे जैसे क्यों परिश्रम कर रहे हैं। पहले एक बार तो सोचो मैं कौन हूँ कहाँ से आया मेरा क्या कर्तव्य है। इसलिए पहले तो ये चीज को सोचो। इसलिए जीव का हृदय में जो अविद्या है जो स्वरूप भ्रम असल तृष्णा और हृदय द्रोपला जितने सारे अविद्या है कभी श्री गुरु श्री बलदेव प्रभु जीव का हृदय के सारे अविद्या को समाप्त करते हुए हमारा हृदय को कृष्ण भक्ति रसभाविता के द्वारा कृष्ण भक्ति रूपी बीज को बपन करने का वो उन्नत जनित को तैयार करते हैं जिसको द्वारा हम भगवत भजन करते हुए भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हम तो बहुत कुछ बोलना चाहता बेल बज गया। इसलिए आज हम लोग श्रील महाराज जी के चरण में प्रणाम करते हैं। अभी वही बलदेव प्रभु अभिन्न रूप में श्री गुरुपाद भक्त रूप में आए हैं। इसलिए पहले तो गुरु जी की कृपा हो इनकी कृपा से ही हमारा हृदय की सारे अविद्या अनर्थ दूर हो सकता है। फिर कृष्ण भजन की हम फिर हम अधिकारी बने हम यही बोल करके श्री बलदेव प्रभु और श्री गुरुपाद भक्त के चरण में गुरवीरुभ्रचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। शंकर शंकरनुत साई गर्भोत साई च पयोति साई शेषस्यजस्यांश कलाः सलिप्तानन्दाक्षराः अभी पूज्य पाद रसानंद प्रभु जी ने वर्णन किया है
कई दिनों से श्री रुंगो स्वामी जी के स्थिति पर उनके जीवन चरित्र पर और उनके विचारों पर प्रकाश डालते हुए सभी वैष्णवों ने और विद्वानों ने अपने भाव को विचारों को व्यक्त किया है। सब कथा का सार यही निकलता है कि हम सभी गौड़ीय वैष्णव जो कि रूपानु कहने का एक गर्व बोध करते हैं कि हम सभी रूपानु के हैं। इसके साथ साथ आज से बंदे प्रभु जी के आयुर्व तिथि पर यह भी व्यक्त होता है कि हम गुरुवारों के अर्थात गुरु जी के अनुगत में गुरुवारों वैष्णवानों भजन साधन करने के लिए बिना अनुगत के कदापि भजन नहीं होगा। नीचे से देखकर जो ऊपर तरह संपूर्ण सर्वत्र ही देखा जाता है अनुगतमय यह वैष्णव था और व्यवहार जहाँ व्यवहार कुशलता है वही वैष्णवता है और व्यवहार कुशलता के अभाव में वही निम्न अधिकारी में चला जाता है। फिर अनुगत्य के विहीन होने पर ही उससे क्रोध आ जाती है और वही भजन साधन चौपट होता है। इसलिए वेदांत में कहा है नायमात्मा बल ही न लभ्य आत्मा भगवान श्री हरि बलहीन व्यक्ति को दुर्वचित व्यक्ति को कदापि प्राप्त नहीं होता है। तो बलहीन क्या है यही बल जो है बलराम जी हैं जो कि श्री बलराम जो बलदेव प्रभु अखंड गुरु तत्व के मूल आश्रय विग्रह स्वयं विषय विग्रह जो कि स्वयं बलराम जी आज उन्हीं के आविर्भाव तिथि तो बिना उनके अनुग्रह के बिना उनकी शक्ति के कृपा के राधा कृष्ण की प्राप्ति भी नहीं होती है। जैसे अभी कीर्तन में आया था नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना ब्रज में राधा कृष्ण की प्राप्ति भी संभव नहीं है। इसलिए उनको बना है राधा कृष्ण की प्राप्ति के लिए बलदेव प्रभु की कृपा चाहिए। बोले क्यों वे संदिनी शक्ति के आधार है। संदिनी जो सत्ता और जिन सत्ता उन जिन सत्ता जब तक हृदय में नहीं आएगी तब तक जैसे कल गुरु जी ने भी बताया विश्व सत्य का मतलब है बद्ध जी शुद्ध सत्य मुक्त जी और विशुद्ध सत्य परिकर होता है। तो इनमें से अब हम बद्ध जीव है हम विश्व सत्य में प्रकृति के गुणों में आबद्ध हैं पर ये गुण निकल जाए और वह विशुद्ध सत्य हमारे हृदय में प्रकटित हो जो संदिनी शक्ति सत्ता के सार स्वरूप हृदय में जब तक नहीं आते हैं तब तक कुछ भी नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवत जी के प्रारंभ में जबकि श्री गोस्वामी जी ने ऋषियों का प्रश्न सुन करके छह प्रश्न के उत्तर देने से पहले ही गुरु जी की वंदना की। बोले गुरु जी कैसे हैं हमारे गुरु बोले गुरु जी मुक्त पुरुष है बोले और कैसे हैं अपनी वाणी को विस्तार करें। इस प्रकार भागवत जी में गुरुवानुगत की बात दिखाई जो कि बलदेव प्रभु जो है इस विषय पर आया जाए कि बलदेव प्रभु अखंड गुरु तत्व के मूल स्वरूप जब तक उनकी कृपा नहीं होती तब तक कदापि भजन साधन संभव नहीं। इसलिए उनका आश्रय उनकी प्रार्थना की जाती है। जो बलदेव प्रभु स्वयं मूल रूप में स्वयं बलराम के रूप में रहिणी नंदन रहिणी कुमार हैं और ब्रज विलासी हैं श्री कृष्ण के अभिन्न संगी हैं। अभी अभी रसानंद प्रभु जी ने बताया भगवान श्री
राम जी 10 प्रकार से कृष्ण की सेवा करते हैं। आसन बसन भूषण छत्र पालका चावल व्यंजन आदि आदि करके धाम रूप में सर्वत्र और सभी रसों में सेवा करने वाले जो कि बलराम जी एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र का है। शरीर से केवल भिन्नता देखी जाती है पर तत्त्व स्वरूप का दोनों एक ही स्वरूप है बलराम जी और श्री कृष्ण। ब्रज में वे माधुर्य विलासी हो करके नित्य ही माधुर्य रस का आस्वादन करते हैं कृष्ण बलराम गुरु। और अभिन्न सखी है जो कि उनका अस्त्र है हर मुसल, वे हर मुसल मथुरा और द्वारका में धारण करते हैं पर ब्रज में वे विषाम और सिंगा बजाते हैं। जैसे कृष्ण बंसी धारण करते हैं बंसी बजाते हैं वैसे ही सर्व ये लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण वैसे ही लीला पुरुषोत्तम श्री बलराम जी ब्रज में नित्य माधुर्य विलासी। जब वे मथुरा में आते हैं तब वहां से जरासंध के सैनिकों को वध करने के लिए उस समय से अस्त्र धारण किया तो हर मुसल इत्यादि देखा जा रहा है। द्वारका में हर मुसल है तो अभी अभी बताया कि हल के द्वारा खेती किया जाता है तो बलराम जी संसार की खेती करते हैं जितने भी जीव हैं सब उन्हीं से ही तो आए हुए हैं और सभी स्वरूप सभी सत्ता सभी प्रकाश सब उन्हीं से ही है। इसलिए बलराम जी जो है जो कि वैभव विलास विग्रह तो वैभव तत्व तो वैभव प्रकाश से अब वैभव विलास हो जाते हैं द्वारका में जाते हैं। जैसे कृष्ण से भी अवतार समूह प्रकटित हुए हैं वैसे बलराम जी से भी आए हुए हैं इसलिए बलराम जी को द्वारका में संकर्षण कहा गया है मूल संकर्षण। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न प्रद्युम्न अनिरुद्ध आदि चतुर्भुज रूप में और वासुदेव स्वयं श्री कृष्ण है संकर्षण स्वयं बलराम जी है। जहाँ वैभव विलास में आ रहे हैं तो वहां पर द्वारका में हम मुसल धारण करने के लिए ऐश्वर्यमय स्वरूप बन जाते हैं संकर्षण रूप में जो कि गंगाचार्य जी ने उनके नामकरण में कहा है संसार में सबसे बड़े बलशाली होंगे सर्वाधिक बलशाली और सभी सभी को आकर्षण करके अनंत प्रदान करने वाले इसलिए राम भी कहा करके इसलिए उनका नाम हो गया बलराम। देव दिपति इति देव जो दिपति किरति इति देव जो कि स्वयं क्रियाशील है और लीला विनोद के द्वारा कृष्ण का सदा सर्वदा आनंद वर्धन करते हैं हर प्रकार से सेवा करते हैं ऐसे बलदेव जो कि बलराम है। और वही द्वारका में आ करके वे मूल संकर्षण और फिर जबकि वैकुंठ में है वहां भी द्वितीय चतुर्भुज के रूप में वहां संकर्षण रूप में है पर उन्हीं से ही प्रकाश होता है कर्णाधिशायी महाविष्णु जो कारण समुद्र में शयन किए हुए हैं और जिनसे अनंत करोड़ ब्रह्मांड निकलते हैं और उन्हीं में समा जाते हैं जिनको महाविष्णु अनंत पादों विक्रम जिनके हजारों लाखों करोड़ों अनंत शरीर पैर इत्यादि रूप में वर्णन किया गया है वह महाविष्णु जिनका प्रकाश है कर्णाधिशायी विष्णु के रूप में। फिर एक एक ब्रह्मांड के अधिनायक बन करके वे गर्भोदोषायी विष्णु बने जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के द्वारा विश्व जगत के सुप्राणियों के शरीर का निर्माण करा दिया और जिनके अंदर जीवात्माओं को प्रवेश कराकर इस संसार क्षेत्र को चलाते हैं ऐसे परिचालना करने वाले गर्भोदोषायी विष्णु जो आदि प्रजापति के रूप में भी जाना जाता है। फिर एक अंश में कारणाधिरोधशायी विष्णु है जो क्षीर समुद्र में दुग्ध समुद्र में शयन किए हुए विष्णु समस्त जीवों को पालन किया करते हैं इसलिए वे क्षीरोधशायी विष्णु है। फिर उनका भी एक प्रकाश जो है वही अनंत देव के रूप में है जिनको शेषस्य कला कला रूप में बताया
दे, इसलिए विश्व जगत के अणु अणु में सबके अंतर्यामी रूप में सबके पालक रूप में और सबके सृष्टिकर्ता के रूप में विश्व संसार के निर्माता के रूप में सभी प्रकार से बलराम जी विश्व जगत में ओतप्रोत रूप में व्याप्त हैं और वही लीला पुरुषोत्तम बनकर जो कि कृष्ण के अभिन्न संगी हो करके सदा सर्वदा कृष्ण का आनंद वर्धन करते हैं। अभी अभी आपने जैसे श्रवण किया है श्री बलराम जी गुरु तत्व के रूप में अज्ञानता के प्रति गर्भवासुर का भी वध किया और उसे मारकर अज्ञानता को हटाया। जो हमारे अंदर अज्ञान अंधकार और धूली धूल कंकर पत्थर और आंधी तूफान मचा हुआ है, जिस आंधी के कारण आंखों में धूल भरा हुआ अहंकार अभिमान पर गर्व में हम भरे हुए हैं, तो ये सभी अज्ञानता को अहंकार अभिमान पर चूर विचूर करते हैं। जैसे बलराम जी ने एक मुष्टिका हाथ में प्रलम्बासुर को मारा, ऐसे ही ये छल कपटता के मूर्ति तो बलदेव जी इस रूप में गुरु रूप में वे सेवा करते हैं और क्या है हर समय हर पल हर घड़ी वे बलराम जी कृष्ण की सेवा किया करते हैं। राधा कृष्ण की मधुर लीलाएं जितनी भी हैं बलराम जी को पर्दा बना करके जाने उन्हीं के आड़ में ही राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं का विस्तार है। बलराम जी सामने है यानी बलराम जी राधा कृष्ण के पास में नहीं है, बलराम जी जैसे नील वस्त्र को धारण करते हैं। अलहति मिलित भीति जमुना भाव जमुना में भी डर के कारण जमुना ने बलराम जी के वस्त्र में समा गई। क्यों कहीं बलराम जी डांट फटकार के साथ शासन भी न करते, इसलिए इस दशावतार के टीका में भी वर्णन बड़े मजाक से वर्णन हुआ कि जमुना ने जहाँ बलराम जी के वस्त्र में छेद गई कहीं बलराम जी उल्टे से डांट नहीं लगाते जोर जबरदस्ती, ऐसे ही तो बलराम जी ने हल से खींच लिया। जमुना जी ने सोचा था कि बलराम जी आएंगे पानी पिएंगे यहाँ, परंतु आए नहीं और खींच लिया। तो इस प्रकार बलराम जी जो कि मर्यादा के पक्के हैं और अनुशासन को बनाए हुए राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं का विस्तार करने वाले ऐसे श्री बलराम प्रभु के चरणों में हम पुनः पुनः नमन करते हैं। आज उनके चरणों में पुष्पांजलि समर्पण करते हैं। वैष्णवी ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमस्ते तु हरग्राम नमस्ते मुसलायुध प्रणवाय नमस्तुभ्यं त्रयीमां कृष्णपूर्वज। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अश्व के रूपात बोलना ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदशिष्य भक्तिवेदांत श्रीमान गोस्वामी महाराज एवं ओम विष्णुपाद परिवाचार्य वर्ज अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद्भुक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंड प्रदान करूं। तत्पश्चात उपस्थित श्री सपना शिल वैष्णव वैष्णव तीर्थाजी का दंड प्रणाम अभिनंदन। आज से बलदेव प्रभु का स्व विभाग तिथि है। जैसे हम लोग श्री गुरु जी के श्रीमुख से सुना और वैष्णव का विषय सुना सातवीं वर्णन है, ये कृष्ण के लिए कहा गया वृंदावनम परितर्जम पादमेकम न गच्छति। ऐसे ही
बलदेव प्रभु भी जो रही नंदन है वो व्रत छोड़ के एक पग भी नहीं जाते हैं। और बलदेव प्रभु है कौन, इसके चैतन्य महाशि चैतन्य महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी पाद को बताया कृष्ण स्वरूप विचार सुन सनातन अद्वैत तत्व ब्रजे ब्रजेन्द्र नंदन स्वयं रूप तदेकात्म रूप आवेशकार राम प्रथमे इति रूपे रहे भगवान। भगवान का तीन स्वरूप है, स्वयं रूप तदेकात्म रूप और आवेश। स्वयं रूप है स्वयं श्री कृष्ण, तदेकात्म रूप कौन है, तदेकात्म रूप है बलदेव प्रभु जिसमें श्री अंग के वर्ण का थोड़ा फर्क है, भाग का अस्त्र का तीन होने पर तब उनको तदेकात्म रूप कहा गया। ये बलदेव प्रभु श्री कृष्ण के तदेकात्म रूप है। बलदेव प्रभु के दो प्रकार के जन्म देखा जाता है, एक तो मां रही के गर्भ से भजनानंदन और देवकी के अंदर जो बलदेव प्रभु थे वो वासुदेव वसुदेव नंदन या देवकी नंदन वो मथुरा द्वारका की उनकी लीला है और ब्रजानंदन श्याम सुंदर के साथ रही नंदन है ब्रज में लीला करते हैं। ब्रज में दो असुर को देखते हैं, एक धनुकासुर एक प्रलम्बासुर। और कृष्ण के जितने प्रकार की लीलाएं हैं बचपन से लेकर के सब में बलदेव प्रभु का संयोग है। ऐसा तो धनुकासुर के बारे में सुना ये अवतार के प्रति अवतार को दूर कौन करते हैं, गुरुपाद पद्म ही हमारे हृदय के अवतार को दूर कर सकते हैं, इसलिए बलदेव प्रभु अवतार को दूर किया। और प्रलम्बासुर प्रकृष्ण लंबा था बड़ा जैसा तो बड़ा अहंकार है दर्प है कि मैं बलदेव प्रभु को मारूंगा इसलिए बलदेव प्रभु को भी खत्म किया। ये बलदेव प्रभु दो लीला ब्रज में देखते हैं, जैसे बलदेव प्रभु कभी भी ब्रज चढ़ के नहीं जाते रवि नंदन प्रभु, इसका प्रमाण कहाँ पर है, हम लोग गुरु जी के सिमुख से सुना जब नंद बाबा कृष्ण बलराम सखा को लेकर के कंस के राजपुरी में आए, क्यों कंस निमंत्रण भेजा था, कंस को मारने के उपरांत दो दिन बाद जब बलदेव प्रभु कृष्ण मिले तब नंद बाबा ने कहा अरे बेटे तू मुझे भूल गया, दावी रो रहे हैं दोनों बेटे भी रो रहे हैं। उस समय श्री चक्र ठाकुर ने दिखा जब गुरु जी के सिमुख से सुना दो प्रकाश है, एक प्रकाश में बलदेव प्रभु कृष्ण बलराम को और सखाओं को गाड़ी में बैठा करके हाथ से खुद खेलते ब्रज में चले गए और प्रकट प्रकाश में बलदेव प्रभु रो कर नंद बाबा रो कर अकेला जा रहे हैं, इसमें दिखाया ये ब्रज छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं। और जो रोशन गुरु बताया जोधपुर घाट से वो भी एक प्रमाण है, ब्रज के लिए सब लोगों ने बताया। और जो बलदेव प्रभु कैसे श्रीमद अधिकारी की सेवा करती है एक प्रमाण देता हूँ उसमें, जैसे बलदेव प्रभु कृष्ण पीताम्बर है और बलदेव प्रभु नीलाम्बर है, जैसे निशांत लीला में जब राधा कृष्ण विलास के ऊपर जल्दीबाजी आ रहा था तो वृंदा ने बताया कि कखटी कखटी ने बता दिया वृंदा के आदेश से जटिला जटिला का दो अर्थ है, जटिला अर्थात राधा जी की सास दूसरा था जटा जाओ सूरज का किरण जगत में आ रहा है। जब जल्दी दोनों किशोर किशोर चले जाते हैं विक्रम के कारण वस्त्रों का बदल हो जाता है। इधर व्रत चावट में मुखरा देवी और ज्योतिला राधा जी को जगाने के लिए आती है, दूसरी ओर पूर्णिमा शक्ति यशोदा मैया कृष्ण को जगाने के लिए आती है, कृष्ण को वस्त्र दे करके यशोदा प्रचिंतित हो जाती है। जो मैया बताती है रामांबर रामांबर राम प्लस अंबर रामांबर राम अर्थ बलराम उसके कपड़ा है और पूर्णमासी का तात्पर्य है रामा प्लस अंबर रामांबर अर्थात राधा जी का कपड़ा है। कैसे और बलदेव प्रभु का नील वस्त्र नहीं होते तो इसमें रसावास हो जाता, इसलिए बलदेव कैसे पहन करके राधा जी की सेवा करती है। अब मैं द्वारका लीला में हम आते हैं या मथुरा लीला में, मथुरा लीला के चरण मुष्टि का युद्ध हुआ कोला के साथ उसमें बलदेव को योगदान है। बलदेव प्रभु की लीला हम देखते हैं ब्रज के बाहर, जैसे लोग नरसम सुत को मारा दीवी बंदर को मारा शाम को विवाह में योगदान है, सुबह के हरण में उनका लीला देखते हैं हम सब। सुबह के हरण में जब कृष्ण के आदेश से अर्जुन सुबह का हरण करके ले जा रहे हैं
और हल्ला हो गया कि अर्जुन ने सुभद्रा हरण कर लिया। कृष्ण चुपचाप बैठे हैं तो बलदेव प्रभु चतुरंग निशान आदेश दिया, चलो उनको पकड़ना है। इतना वो शैतान है, आए सन्यासी बन करके हम भी प्रणाम किया, सब लोग प्रणाम किया, मेरे बहन को ले जा रहे हैं यहाँ करके। कृष्ण चुपचाप रहे तो दाऊ ने कहा अरे ना तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे हो। तो कृष्ण ने कहा भैया आपका तो एक ही चहती बहन है, आप चाहे अर्जुन को मार सकते हैं, आपके बाया आपका खेल है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप सोचिए पहले देखिए कौन किसको हरण करके ले जा रहा है, रथ कौन चाह कर रहा है। मैं तो देख रहा हूँ सुभद्रा हाँ कर रही है रथ को, लगता है सुभद्रा नहीं अर्जुन को हरण करके ले जा रही है। और आप अर्जुन को मारेंगे, आप क्या अपने चहती बहन को विधवा देखना चाहते हैं? इसके तो सबसे अच्छा है उनको बुला करके धूमधाम शादी मचाया जाए। अच्छा तुम्हारा यही इच्छा तो ये होगा, ऐसे ही किया गया है। सांभव विवाह में सांभव था कृष्ण के लड़का, देखने बहुत सुंदर था। उसने क्या किया, ये छुट्टी का नियम था, कहीं भी जाकर के सांभव सभा से और स्थान से राजकुमारी को हरण करके ले आते थे। सांभव जाकर के दुर्योधन के बेटी दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा को हरण करके ला रहे थे। इतने में विश्वामित्र और सब मिलकर उनको पकड़ लिया, पकड़ करके उनको जेल में दे दिया, बंदी कर बना के रख दिया। ये खबर जब मिला नारद ऋषि के माध्यम से, बलदेव प्रभु आ गए, बोले मैं अकेला पहले जाता हूँ, सेना की जरूरत नहीं, दुर्योधन मेरा शिष्य है, उनको समझा करके करूंगा। जब गए दुर्योधन को सम्मान नहीं किया, कुछ उल्टा सीधा सुना दिया, पता चला तब तो लिया अपने हॉल लेकर ठीक है मैं हस्तापुर पूरा गंगा में डुबा दूंगा, ऐसे खींचने लगे। अब भूचाल शुरू हो गया, तब दुर्योधन सब आकर के पैर पर क्षमा मांगे और जौतुक के साथ लक्ष्मण पर सब को विदा किया। ये देखा, और एक है दिव्य बंदर को रामलीला में भगवान राम की बहुत सेवा की थी, और कहते थे तो सर भगवान ने लक्ष्मण क्या करके क्या जानता है, लक्ष्मण को सहन नहीं कर सकते थे। वही लक्ष्मण आए बलदेव प्रभु के रूप में और भगवान कृष्ण आए भगवान राम के रूप में। भगवान राम और कृष्ण दोनों अभिन्न है और बलदेव प्रभु लक्ष्मण अभिन्न है। वो जो दिव्य बंदर का देश था वो देश बढ़ते बढ़ते और बहुत बड़ा हो गया। तो बलदेव प्रभु जब रोहिवक्त पर्वत में अपने शक्ति के साथ विहार कर रहे थे, वही दिव्य बंदर उनको विभिन्न तरह से उपहास कर रहा था, बिना गंदी हरकतें कर रहा था। तो बलदेव प्रभु को सहन नहीं हुआ, खींचा हम से तब सबसे मार दिया। ऐसे ही हम भगवान को मानेंगे, गुरुपाद बंधुओं को नहीं मानेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, वैष्णव को अंगूठा दिखाएंगे तो बलदेव प्रभु क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए ऐसे दिव्य बंदर को पास करके दिखाया। लो मार संसु जब बलदेव प्रभु महाभारत युद्ध में अंश ग्रहण नहीं करेंगे, तीर्थ यात्रा में निकल गए। लोमहर संसु ये बैठ करके कथा बाँच रहे थे, पुराण कथा, उनको देख करके खड़े नहीं सम्मान नहीं किया, तो हाथ पूछग्रास लिया, हाथ लगाया, उन्हें दबा कर दिया। तो ऋषि लोग हाहाकार कर उठे, प्रभु हम कथा कहाँ से सुनेंगे। तो बलदेव प्रभु कहते हमको जिला दो, नहीं प्रभु आपने किया अच्छा ही किया, जो ये व्यवस्था करे हम कथा सुन सके। तो उनके छोटे बेटा था उनको बैठा दिया, हाथ लग करके समस्त स्फूर्ति हो गया। इसमें दिखाया गुरुपाद पद्म हो ऐसे कोई उच्च वैष्णव हो आ रहे हैं, हमको उठ करके स्वागत करना चाहिए, पर नहीं करते हमारी दशा भी ऐसी होगी, इसलिए सावधान रहना पड़ेगा। जब महाभारत युद्ध अंत होने आया तब बलदेव प्रभु आगे पहुंचे, भीम और दुर्योधन में गदा युद्ध चल रहा था। बलदेव प्रभु बहुत खुश है कि दोनों शिष्य लड़ रहे हैं, गदा युद्ध के अनुसार कमर के नीचे प्रहार करना वर्जित है। और कृष्ण बार बार दिखा रहे हैं ताल ठोक करके भीम भैया को, इधर मारो, क्योंकि माँ गांधारी के आशीर्वाद से उनका पूरा शरीर वज्र था, केवल ये जंघा वज्र नहीं था। तो जय ही मारा हो गिर पड़े दुर्योधन, तो बलदेव को सहन नहीं हुआ, लिया गलत दौड़ पड़े उनको मारने के लिए। कृष्ण ने बताया दाऊ रुकिए आप क्यों बिगड़ रहे हैं, नहीं अन्ना जी तो तुम नहीं देख रहे हो। बोले दाऊ
जब अभी छोटे थे ये लोग, तो भीम को जब विष दिया था दुर्योधन ने, तो अब आप कहाँ थे? ये अन्याय नहीं हुआ था? जब पांचों पांडव को हुआ कुंती को लाख प्रिय में जलाने की व्यवस्था की गई थी, उस समय आपने नहीं कहा था? आप भूल गए? विशेष करके द्रौपदी महारानी है जिनको भरिश्वर में नंगा करना चाहता दुर्योधन, उस समय आप कहाँ थे? उस समय आप भूल गए ये सब नहीं हुआ था और इसके लिए कभी अन्याय हो गया? तो ये समझ गए सभी इच्छा तो बलदेव चुप हो गए। ऐसे बलदेव के ब्रज में भी मथुरा में भी और से बहुत प्रकार की लीलाएं हैं, और ये लीला अलस्य है तो दूसरी मुख से सवन करेंगे क्योंकि समय देखते बंद करता हूँ। हरे कृष्ण। इसको बलदेव जी को पाने के लिए नित्यानंद प्रभु महापूर्ण बोलेगा कृपा पाना पड़ेगा, और सबसे पहले गुरु जी की कृपा, उसके बाद महापुरुषों की कृपा। एक प्रार्थना करके मैं समाप्त कर रहा हूँ। जय रे जय रे सचिन नंदन श्री हरि, नित्यानंद सहजन तुमाना पासरी, नित्यानंद भिन्न न है प्रभु बलराम, दस देह धरि करे श्री कृष्ण काम, अद्वैत आचार्य महा विष्णु अवतार, गंगा जल तुलसी दे आके बार बार, ताहार हंकारे प्रभु प्रकट होइला, नदे आसी जारे तारे प्रेम मिलाइला, दधार गोसाई प्रभुर निज शक्ति, जार खाई भागवत सुने नीति नीति, ताहार प्रेमे कोशीभूत ताहार मंदिरे अप्रकट होइला तो पिनाखेर शरीरे, शिवास पंडित तार तेरे अवतार भाव प्रकाशित विष्णु भट्टार ऊपर, सबे मिली कर कृपा माधवेर प्रति, जुगल किशोर हो भव लाजपति पंचा कवि पुत्र गुरुभ्यौरचंद्रा राधिकाय तलालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तलभक्ताय नमः। At first of all, for millions and millions of Dandavat pranams and to the lotus feet of my beloved Gurudev, Om Vishnupad Paramahamsa Parivajikacharya, Astolt Arasar Shishiman Shiva Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. And the same again, millions of Dandavas, and to the Sannyasi Gan, and all the Vaishnavas, mothers, and guests, Dandavat pranams. So today we are celebrating Baladev's appearance day. For the last 3 days we've heard the very sweet pastimes and descriptions of Srila Rupa Goswami from a very powerful Harikatha. And we have already heard today so many tattvas describing Srila Baladev Prabhu. Srila Baladev Prabhu is non-different to Krishna entirely. He is Vaibhava Prakash. Krishna is Svayam Prakash, Baladev Prabhu is Vaibhava Prakash. There is some difference in complexion. Baladev Prabhu is white, Krishna is black. One day, Rohini, Mother Rohini, she visited Vasudev in the jail of Kamsa. And at that time, she she met with Vasudev, and immediately after that she became pregnant and she went straight to Vrindavan, and she was carrying Baladev Prabhu in her womb. A few months later, Devaki, she also became pregnant carrying Mool Sankarshan in her womb. Devaki, she miscarried after 6 months. And that miscarriage, that Mool Sankarshan, was transferred to the womb of Mother Rohini. Baladev Prabhu was in the womb of Mother Rohini for 14 months. And he was born just 8 days before Sri Krishna. Sometimes people are saying that Baladev Prabhu is 1 year older than Krishna, but this cannot be true because there are so many pastimes of Baladev Prabhu and Krishna playing together, they learning to crawl together,
One time they became caught in one prickly bushes. They went in, they saw some beautiful flowers. Then they got caught in there, the bush closed. They couldn't come out. And they cried for their mother, but they were both the same age. They were crawling around together in Gokul. They would catch the tails of the cows or the calves together and slide around in the courtyard of Nanda Baba. So there are only 8 days difference. But Baladeva Prabhu is manifested directly from Krishna in a form of Sevak Abhiman. He's performing so much Seva. Seva is a symptom of affection, love. So Baladeva Prabhu, he manifests all of the jivas in all of the three worlds. From Baladeva Prabhu to serve Radhavinod Bihari in Gauranga Vrindavan, he manifests as the Nitya Parikas. And as from Mahasankarshan in Vaikuntha, he manifests as all the Nitya Parikas serving Lord Narayan in Vaikuntha. And then from Mahasankarshan, from Lord Narayan, coming into the Purusha avatars as Mahavishnu, then he manifests as all the bodies of the jivas in this material world. But all in a mood of loving service to Sri Krishna. Baladeva Prabhu is so greedy, he's so enthusiastic. Rasananda Prabhu was quoting this verse, Krishna Rasa was Mabitomati, Kriyatomyati Jalabhyate, Katcharolyam Abhimulyam Ekalam. This greed is very, very prominent in Baladeva Prabhu. So greedy that he's taking part in all five rasas. In Shantaras, he's manifesting as all of the Dharma. He's manifesting even as Krishna's ornaments. Krishna's beautiful earrings hang on his ears and touch his cheeks. Balaram is constantly associating with Krishna in his service moods. In Dasyaras, he's serving directly to Sri Krishna. In Sakyaras, he's playing so many pastimes with Krishna, but Salyaras, he's his brother. And in Maduras, he's serving as the younger sister of Radharani, as Ananga Manjari. So in all of these moods, Baladeva Prabhu has this unconscionable greed for service. This service mood is the example of what is needed for the sadhaks in this world in their connection with Sri Guru. Baladeva Prabhu is the Kanda Guru Mula Tattva. He's the root of all Guru Seva. And he's exhibiting this in his service to Sri Krishna. So we become inspired on this day to Sri Baladeva Prabhu in a service mood to Sri Guru. That nothing, none of the truths that we've heard on Sri Rupa Goswami, for example, can manifest without the mercy of Sri Guru. So Baladeva Prabhu, he performs many pastimes in Vrindavan. He kills Dhenukasura, he kills Pralambasura. Dhenukasura is representing the donkey carrying so many anartas. Only Gurudev can cure us of these unwanted anartas. And as Pralambasura, the embodiment of lusty desires, Srila Gurudev will also purify us of those desires. When Srila Baladeva Prabhu is in Dwarka, Krishna is refusing to go back to Vrindavan to pacify the gopis. Baladeva Prabhu, he takes that role. He goes back to Vrindavan and he pacifies the gopis of Vrindavan. There are different explanations of his relationship with the gopis of Vrindavan. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati, he said that one time during the holy festival, some young gopis were standing in the background and they looked to Baladeva Prabhu with affection, and Krishna indicated at that time, you can have rasa with these gopis in the future. This is one explanation. Another explanation is that the many gopis were too young to actually take part in the rasa lila. So when Baladeva Prabhu went back, he was dancing with those gopis. But Baladeva Prabhu is always in the form of Sevak Abhiman. He's never Bhoga Vritti. He's never want to enjoy anything himself. So in Baladeva Prabhu, Srila Gurudev reconciles all these different vichars, these different considerations, by saying that if Baladeva Prabhu was dancing with Krishna's gopis, what is the harm? Baladeva Prabhu
is in a mood of deep separation from Krishna when he's in Vrindavan, to such a degree, at one point during the rasa, he turns blackish. In a mood of such deep separation, we see in Madhuban, in Mahavan, in Dauji, where Baladeva Prabhu is black, in separation from Krishna, while he's performing this rasa lila, he feels the mood of the gopi separation. So there is no anomaly, there is no difficulty in understanding Baladeva Prabhu at Ram Ghat when he was dancing with all the gopis. So all of these considerations can be understood by the mercy of the acharyas. Baladeva Prabhu, when he's manifesting all of the universes, he's always looking to just bring pleasure to Krishna. His whole mood is service to Krishna. Radharani, she manifests as Krishna's pleasure potency. Baladeva Prabhu is serving Krishna in all respects throughout his pastimes. There are so many pastimes of Baladeva Prabhu, as Puja Bhad Madhav Maharaj has just described, so many pastimes.